हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदेश वाला। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नए कॉलेज के बारे में, और ये नया कॉलेज है ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा। यस, सो ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा एक प्राइवेट कॉलेज है मेडिटेरियन रीजन में, और बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज अकॉर्डिंग बैचलर्स और मास्टर्स के लिए मिल जाते हैं। सो हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज की सारी चीज़ों के बारे में, कि आपको क्या क्या फीस लगेगी, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या इनटेक्स हैं, क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाली है, इवन वीज़ा प्रोसीजर भी क्या होगी। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या क्या कोर्सेज मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले बैचलर्स की, तो बैचलर्स में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि क्या, सो ऑब्वियसली बैचलर्स इन मैनेजमेंट, उसके अलावा अकाउंट्स एंड फाइनेंस, टूर एंड टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे बैचलर्स के लिए मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो यहाँ पे आपको मास्टर्स में भी बिजनेस से और मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कोर एमबीए भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जैसा यूनिक और बहुत ही अलग और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स ये आराम से मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हेल्थ एंड सोशल केयर मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इवेंट एंड टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बैचलर्स और मास्टर्स के अलावा यहाँ पे आपको पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डिप्लोमा ही करना है, मास्टर्स नहीं करना है, तो आप यहाँ से डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या कोर्सेज हैं जो आपको डिप्लोमा के लिए अवेलेबल हैं, देन द कोर्सेज आर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विद ह्यूमन रिसोर्स। सो यस, अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में कहीं भी जाना चाहते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा, तो आपको यहाँ पे एम्पल ऑफ चॉइसेस है। सो यस, आप यहाँ से आराम से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, बैचलर्स कितने ड्यूरेशन का होता है, तो वही सेम जो हमारे यहाँ पे इंडिया में है उसी तरह के ड्यूरेशन यहाँ भी है। अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं, तो बैचलर्स यहाँ पे 36 मंथ्स का होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स। वहीं अगर मास्टर्स के लिए हम देखें, तो मास्टर्स यहाँ पे होता है 18 मंथ्स का, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स, और पीजी डिप्लोमा होता है यहाँ पे 56 वीक्स का, यानी जो लगभग अराउंड 1 साल हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि क्या ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ट्यूशन फीस अगर हम बैचलर्स के लिए देखें, तो बैचलर्स की जो ट्यूशन फीस है वो है अराउंड 5100 यूरोस से लेकर 6500 यूरोस पर ईयर। और वहीं मास्टर्स के लिए अगर आप देखते हैं, तो मास्टर्स की यहाँ पे जो फीस है वो हो जाती है 6100 यूरोस से लेकर 9000 यूरोस तक पर ईयर। और पीजी डिप्लोमा के लिए आपको देने पड़ते हैं अराउंड 6150 यूरोस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके लिए आपको ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा टारगेट करना चाहिए, इट इज इनटेक्स। यस, आपको अगर ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा जाना है, तो इनटेक्स इज द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 4 इनटेक्स मिलते हैं। यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस जैसा नहीं है कि जहाँ पे आपको 2 ही इनटेक्स या फिर 1 ही इनटेक मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 इनटेक्स मिल जाते हैं फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ। अब कौन से 4 इनटेक्स हैं? तो आपके इनटेक्स चालू हो जाते हैं जनवरी, मार्च, मई एंड सेप्टेम्बर। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इनमें से किस इनटेक को टारगेट करना है। एंड आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी इनटेक टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको 2 से 3 महीने पहले ही प्रोसीजर चालू कर देनी है। सो उसके कारण आपका कोई भी प्रोसेस डिले नहीं होता है, क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी टारगेट कर रहे हैं इनटेक, उसके लिए आप 2 से 3 महीने पहले ही तैयारी और एप्लीकेशन प्रोसेस चालू कर दें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी जो एप्लीकेशन फीस आपको इस कॉलेज में लगेगी, इट इज़ अराउंड 100 यूरोस। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है, विच इज़ अराउंड 250 यूरोस। और यहाँ पे आपको वीज़ा सपोर्ट डॉक्यूमेंट फीस भी लगती है, क्योंकि ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा आपके लिए वीज़ा प्रोसेस भी कर देता है, तो विच इज़ अराउंड 175 यूरोस। सो अब जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वाइल एडमिशन प्रोसीजर। सो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जनरल डॉक्यूमेंट्स ही हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सीवी। यस, यूरोपास सीवी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको ध्यान देना है कि आप इसे बहुत अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट थिंग जो आपको लगने वाले हैं, वो है आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, प्लस आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट और आपके आईडी कार्ड्स। इसके बाद में आपको लगेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी एसओपी। आपको एक रेफरेंस लेटर भी यहाँ पे देना ज़रूरी है, तो मेक श्योर आपको रेफरेंस लेटर आपकी पास्ट जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी, विदर इट इज़ 12th और बैचलर्स, तो वहाँ से आपको आपका एक रेफरेंस लेटर भी देना कंपल्शन है। इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और जो यहाँ पे कभी कभी आपसे मांग लिया जाता है, विच इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
ये ऑप्शनल है कुछ कुछ चीज़ों में, या फिर कुछ कुछ जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है तो यूनिवर्सिटी इसके लिए डिमांड कर लेती है, बट हाँ कभी कभार ये नहीं भी मांगा जाता है। नाउ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप जाना चाहते हैं इस कॉलेज में? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है, आपको आपके पास बैकग्राउंड में यानी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। जैसे अगर आप 12 से पास हो रहे हैं बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या फिर बैचलर्स से पास होकर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको आपके दोनों इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। और प्लस यहाँ पे एक और एडवांटेज आपके पास ये है कि आपको ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा दो चांसेस देता है इंटरव्यू के लिए। सो आपका अगर पहला इंटरव्यू नहीं निकलता है तो यू हैव द सेकेंड चांस टू क्रैक इट। और इसके अलावा ये ज़रूरी तो नहीं है बट हम रिकमेंड करते हैं कि अब आइल्स दे के जाएँ, क्योंकि आइल्स अब जब देते हैं तो आपकी प्रोफाइल में एक बहुत अच्छा एड ऑन हो जाता है और आपकी प्रोफाइल सामने वाला एवेल्यूएट भी अच्छे तरीके से करता है। सो इट इज़ नॉट कंपल्शन इन दिस कॉलेज बट हाँ हम रिकमेंड करेंगे कि आप आइल्स दे के जाएँ। सो लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसीजर। यस अब हम बात कर लेते हैं इस बारे में। तो यहाँ की एडमिशन प्रोसीजर थोड़ी सी अलग है बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस से, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पहले आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ जो कॉलेज की एप्लीकेशन पोर्टल के लिंक है वहाँ से आपको अपलोड करना है या फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फिल करनी है। आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपका जो एडमिशन ऑफिसर होता है आपकी प्रोफाइल पूरी इवेल्यूएट करता है। आपकी इवेल्यूएशन के बाद में आपका जो एडमिशन ऑफिसर है वो आपके साथ में एक मीटिंग लिंक शेयर करता है जो कि आपका इंटरव्यू होता है। सो आपके इस इंटरव्यू में आपका जो एडमिशन ऑफिसर है आपसे बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछेगा। सो यहाँ पे चेक किया जाता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, प्लस आपको उस कोर्स के बारे में नॉलेज कितना है जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, और उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कितना पता है। इन तीन चीज़ों पर फोकस करके इंटरव्यू लिया जाता है। जस्ट इन केस कि आपका ये इंटरव्यू नहीं निकला, सो आपके पास में सेकेंड चांस भी होता है कि आप इस इंटरव्यू को आराम से देकर अच्छे से क्रैक कर लें। आफ्टर दैट आप जब एक इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो इसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडीशनल ऑफर लेटर अप्रूव किया जाता है। व्हाट इज कंडीशनल ऑफर लेटर? सो इस लेटर में मेंशन होता है कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में कंफर्म है बट आपकी सीट कंफर्म करने के लिए यू हैव टू पे 50% फीस इन एडवांस। अब ये करना ज़रूरी है का? ऑब्वियसली ये ज़रूरी है क्योंकि इस कॉलेज में ऐसा क्राइटेरिया है, अगर आपको आपकी सीट कॉलेज में बुक करनी है तो आपको 50% जो आपकी फ़ीस है वो एडवांस में डिपॉजिट करनी पड़ती है। जैसे ही वो डिपॉजिट आप करते हैं तो आपका रिवाइज्ड ऑफर लेटर यानी फाइनल ऑफर लेटर प्लस आपकी सारी जितनी भी रिसीट्स होती हैं जितना भी पेमेंट आपने किया वो और आपका एडमिशन इस कॉलेज में कन्फर्म हो जाता है। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि अब वीज़ा प्रोसेस कैसा होता है। वीज़ा प्रोसेस में आपके पास में एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक बार आपके पास में आपका ऑफर लेटर आ गया तो आपको भी वीज़ा बुक करना ही नहीं है, आपकी तरफ से वीज़ा कॉलेज ही बुक कर देता है और आपकी अपॉइंटमेंट ले लेता है। सो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, जो डेट ली गई है उस डेट पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके VFS या फिर MBC जाकर आपको आपका वीज़ा इंटरव्यू देना होता है एंड यू हैव योर वीज़ा एंड यू आर गुड टू गो टू द कॉलेज। सो एट लास्ट लेट्स डिस्कस व्हाट आर द लिविंग एक्सपेंसेस। वैसे माल्टा बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है बट अगर आप एज ए स्टूडेंट और सिंगल वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको अराउंड 400 to 500 यूरोस पर मंथ ही आपका खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग योर अकोमोडेशन, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, एवरीथिंग। सो येस, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। और लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू विदेश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।